हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड करियर काउंसलिंग। मैडम, अवार्ड पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर आप ना सिर्फ खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं बल्कि कारोबार और स्किल डेवलपमेंट को भी फ्रोग दे रही हैं। आपने CSS इम्तहान की तैयारी करने वाली मसीही तलबा की माली मदद भी की है। आप स्किल डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग की मसीही नौजवानों के लिए अहमियत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इंतहाई काबिल एहतराम जनाब टाइगर साहब, बहुत ही काबिल एहतराम जनाब मास्टर काश साहब, आपका बंदूम साहब, अमजद साहब और बहुत ही प्यारे सर अमजद परवेज साहब और बहुत ही प्यारे नुमान अमजद साहब, जिनका मैं जितना अप्रिशिएट करूँ वो काम है, जितनी उनकी एफर्ट्स है इस एज में नौजवानों को इकट्ठा करना और उनके बारे में अगर हम अपने अपने ही घरों तक अपने अपने ही कंप्यूटर तक अपनी अपनी ही मिनिस्ट्री तक बंद हो गए तो फिर हमारे लिए जो टाइम हमारा चेहरा होते हैं तो इसको बदलने की जरूरत है। और कहते हैं वो कोई भी एंट्री टेस्ट हो उस तैयारी के लिए पेरेंट्स बड़े सरगर्म होते हैं, तो ये एक वेव है अच्छी जो चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो क्वेश्चन मुझसे किया गया है, मैं अगर उसकी तरफ आऊँ तो अवार्ड पाकिस्तान जो है एसोसिएशन फॉर वीमेंस अवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये जो अदारा है ये आज से चंद साल पहले, मैं चले उसकी दरबार में आती हूँ, मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बुलाया गया एज ए गेस्ट और उन्होंने मुझे अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट सिखाया और उन्होंने कहा कि ये भी बच्चियाँ आ रही हैं हमारे पास, ये स्किल सीख रही हैं, ये स्किल सीख रही हैं, ये स्किल सीख रही हैं, यूनिफॉर्म फ्री है, किताबें फ्री हैं, ये फ्री है, ये सारा कुछ फ्री है। और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा मैं खुश भी हुई, अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मेरे जहन में कहीं एक कसक रह गई कि क्या इतने सारे बच्चों में कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट है, क्या कि क्रिश्चियन इन गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सहूलतों से कोई फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद मैंने इस सवाल का जवाब डिफरेंट अदारों में जाके पता किया तो मुझे वो नाम ही मिला। और उसकी बड़ी वजह जो है हमारी जो जो क्रिश्चियन है कि स्किल में बहुत पीछे है, यानी ये जॉब करना पसंद से सीखेंगे कि वो भी सिलाई सीख लें, वो कुछ और स्किल सीख लें ताकि घर बैठ के बच्चों को भी देखें और वो ज्यादा कमा सकें। ये ओवरऑल हमारी जो कम्युनिटी है, मुझे इतने साल हो गए, 30 साल का जिक्र हुआ है, तो ये ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है, ये ओवरऑल हमारी कम्युनिटी का ट्रेंड है कि हम स्किल से बड़े दूर हैं, ठीक है। उसी वजह से फिर हम मीनियल जॉब्स में हमें जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास और कोई वे आउट नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हम भी यहाँ पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे बड़े बिजनेसेस नहीं है, हमारे बड़ी हमारे पास जायदादें नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बड़े हम जिम्मेदार नहीं है, हमने जॉब करनी है, कमाना है और फिर अपनी फैमिली को पढ़ने के जाना है। और ये मेरा ख्याल है टाइगर साहब मुझसे इतफाक करेंगे आप, ठीक है। तो है हमारे, लेकिन अभी शायद वो कुछ परसेंट है जो अब ऊपर जा रहे हैं, खुदा का शुक्र है इसके लिए। हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, फिर हमें देखना है कि फिर हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं, एक PPI ने बड़ी अच्छी रिसर्च की नौजवानों के ऊपर, मसीही नौजवानों के ऊपर, और उसके अदादोशुमार अगर आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि 61% नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो कोई काम करें, वो कुछ आगे बढ़े या उनको कोई गवर्नमेंट स्कीमों का पता ही नहीं, ठीक है। 16% हमारे नौजवान हैं जिनके पास कोई स्किल है और 19% हमारे नौजवान हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है वो हमारी मीनियल जॉब्स है, बाकी में ये हमारा हमारी रेशियो जो है ये बड़ी कम है। तो जब हम इस तरह से अदादोशुमार को देखते हैं या हम अपने स्लम्स एरिया में, अपने रूरल एरिया में यूथ को देखते हैं तो वहाँ पे हमारी जो यूथ है वो बहुत पीछे है और स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो स्किल की अहमियत है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि वो ज़रूर वो स्किल सीखें और अपने पाँव पर खड़े हों। और उन स्किल को सीखने के लिए अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं,
हमने कभी फायदा भी नहीं उठाया, बल्कि एक शेर है कि मुमकिन है कि हालात मुखालिफ हो मगर सोच, मुमकिन है कि हालात मुखालिफ हो मगर सोच, तो खुद भी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, हमने कभी वो बताया ज्यादा के ऐसे नौजवान जिन्होंने बी एस आई टी या बी एस कंप्यूटर साइंसेस में किया है, तो उनके लिए जो फ्री कोर्सेज थे अभी, जो सॉफ्ट स्किल्स थे, उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें हमारे क्रिश्चियन बच्चे किस हद तक उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, कितनों ने उसमें गए हैं या कितनों ने उससे फायदा उठाया है। तो इसी तरह से नैपटेक के कोर्सेज हैं, इसी तरह से बहुत सारे हर यूनिवर्सिटी जो है वो इसी तरह से वो अपने इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाती है, जहाँ पे नौजवान जाते हैं, वो अपना आइडिया वहाँ प्रेजेंट करते हैं, वहाँ उनको सारी सहूलियात मिलती है, वहाँ एक उनको बना बनाया ऑफिस मिल जाता है, जहाँ वो अपने आइडिया को पूरी दुनिया तक फैला सकते हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर सामने आ सकते हैं, लेकिन हम उनसे भी फायदा नहीं उठाते। तो ऐसी सूरत में जो जरूरत है हमारे नौजवानों को, इस वक्त की जो जरूरत है कि जो पढ़े लिखे हैं वो जरूर सॉफ्ट स्किल्स में आगे जाएं, वो जरूर साथ साथ कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो साथ करें, वो बच्चे जो एजुकेशन में पीछे रह गए हैं वो फिर जो हार्ड स्किल्स है उनमें जाएं, क्योंकि आपको किसी एक चीज में आपको मास्टर बनना है। अब जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बने, ठीक है, वो तो बहुत बड़ी बात है, जो बनते हैं मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड, आप जिस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा तो इतने सारे और शोबे हैं, हमें उनमें भी जाना है और उनमें मास्टर बनना है। एक दफा एक बड़े दानिश्वर से मैंने पूछा कि हमारे मसीही पाकिस्तान में कैसे तरक्की कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप अगर टेलर हैं तो मास्टर बन गए, आप मैकेनिक हैं तो मास्टर बन गए, आप टीचर हैं तो मास्टर बन गए, आप हर अगर फोटोग्राफर हैं तो मास्टर उसमें बन गए, आप जरूरत बन गए, लोग कहें कि अगर हमने अपनी गाड़ी ठीक करानी है तो हमने किसी बंदे से करवानी है, तो ये इस वक्त की हमारी जरूरत है। आप देखें अगर अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है और आज पूरे पाकिस्तान में उसका नाम चल रहा है उसके अपने स्किल की वजह से, वो उसका मीडिया भी पढ़ रही थी, कहते थे कि उसमें इतनी ताकत होती थी कि उसके गांव वाले उसको कहते होते थे रूसी ट्रैक्टर, कि वो इतनी उसमें वो ताकत का वो इस्तेमाल करता था जब वो नेजाबाजी करता था। तो इस वक्त जो जरूरत है वो मास्टर बनने की है, आप अच्छे डॉक्टर बन जाए, अच्छे इंजीनियर बन जाए, अच्छे टीचर बन जाए, आप अच्छे मैकेनिक बन जाए, आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन जाए, हर चीज की जरूरत है। तो इस वक्त का जो तकाजा है वो मेरा ख्याल है कि वो यही है। और एक बात मैं बस और करूंगी ताकि टाइम का हम ख्याल रखें, मुझे कुछ 3-4 साल पहले कुंजा जाने का इतफाक हुआ, तो जब कुंजा हम लोग गए तो वहां जाके हमने पूछा कि यहाँ पे एजुकेशन रेट क्या है, उन्होंने कहा कि यहाँ 99% एजुकेशन रेट है और साथ ही उन्होंने कहा यहाँ 0% क्राइम रेट है। हमने कहा वाह क्या बात है, उन्होंने कहा कि यहाँ जो पढ़ा लिखा है हर एक मास्टर्स है या उसका ग्रेजुएट तो लाजमी है और जो नहीं हम कोशिश करते हैं कि वो भी आगे पढ़े, उसको हम बहुत ज्यादा एम्पावर करते हैं और हम यहाँ बिजनेसेस जिनके पास कोई काम नहीं उनको हम पैसे दे के कहते हैं कारोबार करो और वो हमें वापस दो ताकि हम किसी दूसरे को दें। तो इस तरह से हमने कारोबार और तालीम में लोगों को बड़ा आगे कर दिया। वापसी जिस दिन हमारी थी वहां कुर्बानी बहुत होती है, तो मैंने कहा कि चले गिफ्ट के तौर पर कुर्बानी ले जाते हैं, मैंने कहा भाई जरा ना जैसे हमारी आदत है, मैंने कहा भाई जरा ना अच्छी अच्छी तोलना, मैं बड़ी दूर से आई, मैंने कहा अच्छी अच्छी डालना, उसने तोलना बंद कर दिया, उसने रख दिया, उसने कहा मैडम यहां से लेके आप पूरे हुंजा में जहां भी जाएंगे आपको 2 नंबरी नहीं मिलेगी।
जो बात मैं कहूंगा, जो चीज हमारी ऊपर है वही आपको नीचे मिलेगी, और आप यकीन करें मैं गुम होगी वहां पे, क्योंकि ये है वो टीचिंग जो वो कहते थे कि हमारे प्रिंस करीम आगा खान ने हमें दी है कि झूठ नहीं बोलना, कम नहीं तोलना, अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है और अपनी कौम का नाम ऊपर लेके जाना है। तो मैं सोच रही थी हम अपनी किसी ना किसी एक जगह को ऐसा मॉडल बना दें जहाँ हम कहें कि हमारे खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा है और हमने इससे पीछे नहीं हटना, हम अच्छे टीचर, अच्छे मैकेनिक, अच्छे जो भी ह्यूमन है स्किल है उसमें आगे जाए। हमारे पास अवार्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो बच्चे जो सी एस एस करना चाहते हैं और जिनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है अभी भी उनकी आ गई है डेट, जिनके स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो वो जरूर हमसे रब्ता करें, हम अकेडमी की फीस में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो बच्चे कोई बिजनेस करना चाहे उनके पास कोई स्किल हो और उनकी एज 18 से लेके 30 ईयर तक हो तो वो भी हमसे रब्ता करें, वो आपका तो भाई बहन हो सकता है लेकिन स्किलफुल हो, टेक्निकल स्किल उसके पास हो, हम उसमें उनको छोटे कारोबार कराने की ट्रेनिंग भी देते हैं और हम ग्रांट देते हैं, कर्जा नहीं होता वो ग्रांट होती है जो कि अब 65,000 की ग्रांट है और हम एक छोटा कारोबार उसे अच्छा डेवलप करके देते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी नौजवानों के हवाले से इस तरह की कोई भी लीडरशिप के प्रोग्राम है, चीजें हैं, आप नौजवान हमसे रब्ता करें, हम आपकी तरक्की में आपके साथ बराबर शरीक होंगे। तो आप मेरी तरफ से